अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कार्ट फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम जो किस तरह से पाक आइडेंटिटी की जो ऐप है उसके अंदर जो है अपनी फ़ोटो को ऐड करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले जो है ऐप को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये ऐप किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, ये मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, तो आप उसको जो है वो देख कर और उससे गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इन दोनों वीडियो के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी मैं जो है यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ अपनी आईडी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैंने जो है यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है ये एक मुझे ट्रैकिंग नंबर दे रहा है, जो अगर आप इससे पहले वाली अगर मेरी वीडियो देखें तो उसमें भी जो है ऑप्शन आ रहा था ट्रैकिंग आईडी का, तो इसमें जो है वो वही ट्रैकिंग आईडी मुझे दे रहा है जिसके ज़रिए जो है मैंने इसमें मतलब अप्लाई किया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का पूछ रहा है, फिंगरप्रिंट्स है और फोटोग्राफ है। अभी हमें फोटोग्राफ करनी है तो हम फोटोग्राफ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो है आप चाहें तो कैमरे का भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई पिक्चर अपनी गैलरी में अगर आपको सेव है तो आप वहाँ से भी जो है उसको लोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर गैलरी से लोड कर देता हूँ, इसको हम परमिशन दे देते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, फोटोग्राफ अपलोड करने से पहले इसने जो है यहाँ पे एक कुछ फ़ोटो देकर और बताया हुआ है कि किस तरह से होना चाहिए। इन्होंने बोला है कि पीछे का जो बैकग्राउंड है ठीक है वो आपका वाइट होना चाहिए, अगर इसके अलावा कोई और कलर हुआ तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और आपका जो एप्लीकेशन है उस पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका हेड है वो सेंटर में आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आधा फेस आ रहा हो आधा ना आ रहा हो, इस तरह की कोई मिस्टेक ना हो। दूसरी चीज़ कि आपका जो हेड है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए और सीधा होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने और भी बताया हुआ है कि ग्लासेस ना पहने हो। ठीक है, अगर आपने ग्लासेस पहन के तस्वीर खिंचवाई हुई है उसको अपलोड कर दिया तो भी आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर जो है वो ऑब्जेक्शन आ जाएगा। और इसके अलावा जो कैप वगैरह पहन के भी आपको जो है वो पिक्चर नहीं खिंचवानी है। इसके अलावा जो आपकी पिक्चर है वो ब्लर ना हो, ठीक है, यानी कि धुंधली ना हो, सही खिंची हुई हो। उसके अलावा जैसे साइड फेस की जो हम जैसे साइड पोज देते हैं तो साइड पोज ना हो, बिल्कुल फ्रंट पोज हो और जो क्लियर पिक्चर हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में भी गाइड किया हुआ है। अगर आप इनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे और इस तरह की इमेज नहीं देंगे तो डेफिनेटली आपकी जो एप्लीकेशन है जो आप सबमिट कराओगे उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाएगा। उसको डन करते हैं और अब यहाँ से जो है हम अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है अपनी इमेज को ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड करने के बाद इसको डन कर देंगे आप, जैसे ही डन करेंगे ये इसको अपलोड कर देगा और अनेबल टू डिटेक्ट आइज़। ठीक है, ये आइज़ को जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा तो उसने मना कर दिया है। हम जो है दूसरी इमेज ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन जो है ये इतनी एफिशिएंट है कि जो है ख़ुद भी डिटेक्ट कर लेती है। तो हम जो है अपनी दूसरी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसमें जो फेस है उसको हम सेंटर में कर देते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसको डन करते हैं। तो अब ये दोबारा अपलोड कर रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसने जो है उसको अपलोड कर दिया है, फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोडेड। ठीक है, अगर कोई आईज़ वगैरह का प्रॉब्लम होता है या आपने जो है वो टेढ़ी पिक्चर खिंचवाई होती है या ब्लर होती तो यहाँ पर जो उसको भी अपलोड नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से जो आप अपने फ़ोटोग्राफ जो है उसमें अपलोड कर सकते हैं, और ये आप ऊपर देख भी सकते हैं कि आईडी कार्ड के लिए ये है और इसकी जो ट्रैकिंग आईडी है ऊपर लिखी भी आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो आप अपनी पार्क आइडेंटिटी की एप्लीकेशन जो है उसके अंदर फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं सीएनआईसी के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल माय गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथ शेयर कीजिए।